2.5 में क्वेश्चन नंबर 11 से, देखो ध्यान से कैसे हल करोगे। क्वेश्चन 11 हमसे कहता है बाबू कि 7x/3 प्लस y/3 प्लस z/3 और माइनस 9xyz का गुणनखंड कीजिए। अच्छा आपको याद है क्या सूत्र एक? देखो ना एक लाइन में सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो सूत्र एक होता है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 11 के पहले मैं थोड़ा सा आपको 11 तो हल करने के लिए जा रहे हैं, एक फार्मूला आपको बता दिया, एक्स पर तीन प्लस वाई पर तीन प्लस जेड पर तीन माइनस 3xyz बराबर जो होगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। या आपके पास फार्मूला उपस्थित रहा एक्स पर तीन प्लस वाई पर तीन प्लस जेड पर तीन माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स पर दू प्लस वाई पर दू प्लस जेड पर दू माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको हल करने की कोशिश अगर आप करते हैं तो इसी फार्मूला पर तुर करके हल कर लीजिएगा। तो सवाल नंबर 11 आपके पास है बाबू, 27x/3 प्लस वाई पर तीन प्लस जेड पर तीन माइनस 9xyz। अच्छा मुझे बताओ एक चीज़, हम लोग इस रूप में रख रहे सवाल को ना, तो क्या करना है कि देखो भाई 27 है तो आप 3x/3 लिख सकते हैं ना, अरे तीन बार लिखेंगे तो फिर 27 हो जाएगा, वाई पर तीन जेड पर तीन आइए सुनो, तीन तो सूत्र में होता है ये, एक्स के बाद 3x बता 3x फिर वाई बता वाई जेड बता जेड। अब देखो समझो कि ये एक्स का मान है वाई का मान है जेड का मान, इसी फार्मूला में आपको भर देना है, इसी फार्मूला में आपको भर देना है, जहाँ एक्स है तहाँ 3x, जहाँ वाई है तहाँ पर वाई, जहाँ जेड है तहाँ पर जेड, तो भरो बोले लिख दो कितना 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा में क्या होगा, एक्स की जगह 3x है तो 3x पर दू वाई पर दू जेड पर दू माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x, तो क्या होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3x वाई वाई जेड 3xz, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ एकदम समझ में आ गया है तुम लोग 100, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 ही कह रहे बाबू सत्यापित कीजिए। देखो कितना बढ़िया कितना प्यारा क्वेश्चन है, कहा गया है इसमें ये कि एक्स पर तीन प्लस वाई पर तीन प्लस जेड पर तीन माइनस 3xyz बराबर एक बटा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड वाला में एक्स माइनस वाई के पद प्लस वाई माइनस जेड के पद प्लस जेड एक्स पर दो, ठीक है ऐसा ना जी। अब क्या करना है इसको लेकर के, ये इसको लेकर के इतना ला देना आपको, तो बढ़िया से आप इसको आप जानते होंगे LHS का था RHS, तो RHS ले लेंगे। अच्छा RHS हम लोग इसलिए लेंगे क्योंकि बड़ा है, देख एकदम ध्यान समझना है, इसी को हल करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सुनो इसको हल यहाँ से करो, इतनी लंबा पड़ेगा ये, चाहे इधर कर दो, क्या करना RHS ले लो। चलो हाई तो एक बटा दो आएंगे लिखो, ऐसे लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा सुनो इसको तुरो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। बोलो कोई प्रॉब्लम है आपको, आई एक बटा दो आई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तुम लोग एकदम इंटेलिजेंट होना है मैथमेटिक्स में, तो बुझा खा एक भाई एक्स स्क्वायर एक है एक्स स्क्वायर,
तो सब डबल है, देख रहे हैं ना, ये डबल, ये दो गो y² ये भी y² डबल, z² ये भी डबल। तो चलो x² के जोड़ेगा क्या हो जाएगा, 2x² वाई को वाई में जोड़ेंगे तो 2y² और जेड के जेड में जोड़ेंगे तो 2z² आपका बचा है -2xy बच गया, -2yz बच गया, -2zx बच गया। कोई दिक्कत? अब सुनो, 1/2, अच्छा सब में 2 है ना, तो 2 काम ले सकते हैं ना, सबसे बाहर निकाल लो, तो क्या बच गया, x + y + z। यहाँ क्या बच गया, x² + y² + z² - xy - yz - zx। बोलो, है 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, x + y + z - x² + y² + z² - xy - yz - zx। अभी बताइए किसी का सूत्र होता है क्या, आ जाओ, x + y + z - x² + y² इतना है, तो इसके जब इतना लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख सकते हैं, x³ + y³ + z³ - -3xyz। ये क्या लिखा सकता है बाबू, RHS आंसर, नहीं LHS, क्योंकि RHS लिया है आप, देखिए आपके पास LHS, देखो इतना आ गया ना। तो क्या किया आप सवाल में, सिंपली बात एक बार समझ लीजिए कि हमने देखा कि जो RHS L जो मैंने बराबर के बाद बढ़ान है, हमने इसको तोड़ दिया, m² होल स्क्वायर पर x² + y² - 2xy, हमने इसको भी तोड़ दिया और हमने इसको भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ही देखा कि सब डबल आ रहा है, x² जोड़े तो 2x² y² 2y² z² 2z² फिर मैंने 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, सब में 2 है तो हमने 2 कामन ले लिया, या सबसे बाहर निकल गया, 2 से 2 कैंसिल, ये जो हिस्सा है वैसे ही लिख दिया, ये जो बचा वैसे ही। और हमने देखा कि फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz का, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। वह नोट का करना है, जाके देख लेना एक बार, क्या दिक्कत है। हाँ सुथरा तो किताब में भी दिया है, हो जाएगा, चल गए आगे, हम लोग देखें, मिटा दे इसको। देखो सवाल कोई भी हो ना, बस आपको एक टेकअप की चीज करनी है कि आप दिमाग का इस्तेमाल करिए, कहाँ से कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे। तो 2 क्वेश्चन हम लोग हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के पास अपने कदमों को रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा 13 तो बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, दिया है, क्या दिया है सुनो, कह रहा है ना x + y + z = 0, ठीक है, तो दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए, यानी क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। अच्छा ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, दिया गया है, सुनो x + y + z = 0, तो कह रहा सिद्ध कीजिए x³ + y³ + z³ = कितना सिद्ध करके लाना है, 3xyz। तो सुनो सबसे पहले क्या करोगे, सूत्र तुमको याद है, अभी आपने पढ़ा था कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z, x³ + x² - x² - y² - x² - z³ - zx। इतना समझे कि नहीं समझे, ये सूत्र है, x³ सही लिखो, y³ सही लिखो, z³सही लिखो, ये 3xyz सही लिखो, और इसके जब 0 दे दिए तो 0 लिखो, x³ y² z² x² yz, जब 0 से गुणा करो सब 0 हो जाएगा, तो x³ y³ z³ - 3xyz = 0, x³ y³ z³ = 3xyz, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अरे माइनस वाला इधर करोगे तो प्लस में जाएगा 3xyz। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 14 के पास, किसके पास, 14 के पास, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना। कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना
निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आई देखिए, आई देखिए, तनी घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया, का निकालना है, का निकालना है बोलो। माइनस 12 के ऊपर 3 है और प्लस 7 के ऊपर 3 है और प्लस 5 के ऊपर 3 है, इसका मान पूछ रहा है। 14वां के ही पहला है। आज सुनो, सेकेंड भी देख देते हैं। इसमें भी घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन, घन का आयतन में क्या दिया गया है, 28 के ऊपर 3 है प्लस माइनस 15 के ऊपर 3 है प्लस माइनस 13 के ऊपर 3 है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग पढ़े हो, अभी सूत्र सामने लिखा गया था कि इतना बराबर इतना होता है, अभी सिद्ध भी किया यहाँ पर। तो सुनो क्या करना है, एक्स पर 3 है ही है, ये है, तो सिंपली बात है कि आप केवल 3 लिखिए, 3 लिख सकता है। अच्छा हाँ, एक्स समझाइए, एक्स है, वाई है, जेड है, माइनस 12 लिखिए, ये 7 लिखिए, 5 लिखिए, 12 ते आई 7, 12 पर 60 और 60 ते आई 180 माइनस के 7 अगुणे 7 बराबर तचीर 56 के 6, 56 के 6 आ 7 के 7, 7 × 12 माइनस 12 से 60 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यू। हो गया, बोलो समझ में आया कैसे लगाया गया है। अच्छा जो घन का आयतन इसका निकालो, तो 28, आप अभी आप सूत्र में 3 लिखे थे ना, 3 गुणे 28 गुणे माइनस 15 गुणे माइनस 13, तो गुणा कर दो, 8 × 24 के 4, 3 × 6 = 8, आई माइनस में प्लस, 15 × 45 के 5, 15 × 15 = 4, 195, फिर आप 195 में 84 से गुणा कर देते हैं, 195 में 84 से, तो 5 × 20 के 0, 9 × 36 = 38, 4 × 4 और 3 = 7, कट कर दो, 8 × 40 के 0, 7 × 63 और 4 × 67, 8 × 8 = 14, 0 × 8 7 × 14 = 4, 4 × 5 = 1, तो 15 × 4 = 80 हमारे का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं, देखे ना कैसे हल किया गया, ये सब सूत्र का कमाल आपके पास है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 के पास, सब सवाल आप लगा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 के पास, तब क्वेश्चन नंबर 16 के पास, तब ये अभ्यास आपका समाप्त हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में आयत तो जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, देखो ये क्वेश्चन में 15 में ही कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल क्या किया गया, दिया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो इसका लंबाई और क्या बताना है, चौड़ाई बताना है, खुद ध्यान से समझो। देखो क्या दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, दो सवाल दिया है इसमें, क्षेत्रफल दे दिया है, कितना कितना दिया है, 25a² माइनस 35a + 12, सेकेंड दिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12, ये भी क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, ये भी क्षेत्रफल दिया। तो पहले देखो इसमें गुणा करोगे ना तो 300 आ जाएगा, कितना आ गया 300। अब इसको ऐसा तुरना है कि गुणा करने पर भी 300 आ जाए, तो जानते किस में तुरोगे, 20 + 15 में, 20 × 15 = 35, अब 20 में 15 से गुणा करें, 15 × 3 = 30, 300 हो जाए, तो यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे, 25a² माइनस 20 + 15a + 12, ये 25a² ऐसे ही लिख लो, माइनस a से गुणा करोगे 20a - 15a + 12, यहाँ से 5a कॉमन ले लो,
तब पाँच ए माइनस चार, यहाँ से तीन कामा ले लो, पाँच ए माइनस चार, तो दोनों में से एक एक में पाँच ए माइनस चार, यहाँ पाँच ए माइनस तीन, ठीक है आ गया ना। तब लंबाई चौड़ाई बताना है बाबू, तो सुनो ध्यान से, लंबाई में है लिख लेना कौन, ये वाला हिस्सा बड़ा है पाँच ए माइनस तीन, और चौड़ाई में क्या लिख लोगे, पाँच ए माइनस चार, लंबाई पाँच ए माइनस तीन हो गया, चौड़ाई पाँच ए माइनस चार हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, 35 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 पर 60 के जीरो, अब 12 तीन 36 अच्छा 42, 420 हुआ, 420 हुआ। अब इसको तुरना है तो एक काम करो, काट लो दूसरे 10 हो जाएगा, फिर दूसरे काटोगे तो 105 हो जाएगा, फिर इसको तीन से काटोगे, तीन तरीका नौ पाँच 35, दूसरा चार चार तीन 12, अभी फिर काटोगे पाँच से काटोगे 7, 7 तरीका 21, 5 दूना 10, 10 दूना 20, कितना लिया होगा 13 ना, तो 7 पर 6, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, 6 पर 30 है, तो इसको दिमाग लगाओ कहेंगे टूटेगा। किताबों में देखो कुछ 28 और 15 में टूटेगा तो क्या लिखोगे, देखो 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15, यहाँ पर वाई माइनस 12, 28 में से 15 जाएगा ना तो 13 आ जाएगा, 28 है क्या जैसे बना लो दो पाँच 15 सात दिन 14 दिन 28, अब लिख लो 35 वाई स्क्वायर प्लस वाई से गुणा कर दो 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12, यहाँ से क्या काम लेंगे 35 और 28 है तो 7, दोनों में वाई है तो वाई ले लो, 7 बजे 35 वाई और प्लस 7 छः को 28, और माइनस यहाँ से तीन काम ले लो 5 वाई और प्लस 4, दोनों में से 5 वाई प्लस 4 7 वाई माइनस 3, चलो तो लंबाई बड़का हो जाता है ना, तो जो प्लस वाला वाला हो जाएगा 5 वाई प्लस 4, चौड़ाई में क्या लिख लोगे 7 वाई माइनस 3 हो गया, 7 वाई माइनस 3, चलो समझ में आया दोनों को, खाली तुर देना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जिसका नाम होगा कौन, सोलह नंबर आ जाओ। सोलह नंबर ये कहता है कि घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि बीमारों के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये घनाभ है, घनाभ का आयतन पड़े है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, देखो पहले सूत्र बता देते हैं, यही बताना है, लंबाई बताना है, चौड़ाई बताना है, ऊंचाई बताना है, और घनाभ का आयतन दिया है, घनाभ का आयतन तुमको दिया गया है, घनाभ का आयतन कितना दिया, देखो तनी 3x2 - 12x, 3x2 - 12x यही दिया गया, 3x2 - 12x। अच्छा एक काम करो, बहुत सिंपल है, 3 और 12 है ना तो 3 कामन ले लो, 3 कामन ले लिए क्या आप, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स कामन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, केवल एक्स बचेगा, और 3 से भाग 12 में देंगे तो 4 बचेगा, देख लो ध्यान से समझो, था नहीं यहाँ से 3 और 12 है तो 3 कामन ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स कामन, तो यहाँ एक्स और माइनस का होगा 4, तो 3 को चीज़ यहाँ पर आपको क्या कर रहा है जी, जाओ घर बैठ के लिखना, पढ़ने आते हो तुम, क्या पढ़ते हो भगवान जानते हैं, लंबाई 3 हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ऊँचाई, अरे अरे सीखो यार, उस सब कहाँ करते रहते हो तुम लोग, इस सवाल के भाव समझे क्या कहता है, सवाल हमसे ही कहा है कि घनाभ का आयतन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ रहा है, तो मैथमेटिक्स है, सब लड़का लोग यही पर ध्यान देला, तो लोग काज नहीं की पर ध्यान देता, तो सिंपली बात इसमें है कि 3 और 12 तो 3 कामन, एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स कामन, तो 3 निकल गया केवल एक्स, ये 4, तो एगो लंबाई हो गई 3, चौड़ाई हो गई एक्स, ऊंचाई हो गई एक्स माइनस 4, लंबाई 3, चौड़ाई एक्स, ऊंचाई कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4, हो गया सिंपल सी बात है, ये 16 का पहला था, समझे हो जी। दूसरा ये कहता है 12ky प्लस ये 8ky बना होगा, अरे बना लेना यहाँ पर 8 माइनस 20 के, अब तुमको ध्यान से समझो,
पहले इसमें कुछ कामा ले सकते हैं, देखो सब में के है तो के कामा ले लो, 12 है, 8 है, 20 है, तो 4 कामा ले लो, यानी 4 कामा ले लिए, के कामा ले लिए, तो 4 तीन 12, 3y² प्लस 2y प्लस आई बी 5 हो जाएगा, तो 4 के वहीं रखो। अच्छा इसके 5 है, 15 लिख सकते हो क्या? तब 15 हो रहा है तो 5 और 3 में तोड़ दो, 5 में 3 जाएगा, 2 5 है 15, 3y² प्लस 5 माइनस 3y, 3y माइनस 5, तो 4 के वैसे ही लिख लो, यहाँ 3y² लिख लो प्लस ही गुणा करेगा 5y माइनस 3y और माइनस का आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 के यहाँ से केवल y कामा ले लो, तो 3y प्लस 5, यहाँ से एक कामा ले लो 3y प्लस 5, ठीक है, तो एक में लिख लो 4 के, एक में हो जाएगा आपका 3y प्लस 5, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एक वाई माइनस 5, तो लंबाई लिख लो, नमस्ते नमस्कार, 4 के चौड़ाई ले लो 3y प्लस 5 और ऊंचाई ले लो वाई माइनस 1। ये सिंपल सवाल आपका था, समझे कुछ जो कैसा बनाया गया।